नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक एआई और मैं हूं आज तक की एआई एंकर सना। मैं लेकर आई हूं देश विदेश की बड़ी खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मणिपुर पर विपक्षी हंगामे के बाद मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी गतिरोध। अमित शाह की दो टूक, कहा सरकार चर्चा को तैयार। स्मृति ईरानी का वार, बोली बहस से भाग रहा है विपक्ष, पीएम के बयान पर अड़ा अपोजिशन। चुनावी मौसम में गहलोत के गले की फांस बने बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा, लाल डायरी के साथ असेंबली में हंगामा। पूरे सत्र के लिए निलंबित हुए गुढ़ा, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। बीजेपी भी विरोध में उतरी। पश्चिम बंगाल में राम नवमी हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को झटका। कोर्ट के आदेश के बाद एनआईए ही करेगी पूरे मामले की जाँच। जम्मू कश्मीर में चुनावी तैयारी के बीच राज्य पुनर्गठन बिल लाएगी सरकार। कश्मीरी पंडितों के लिए दो और पीओके विस्थापितों के लिए एक सीट होगी रिजर्व। एलजी के पास होगा नॉमिनेशन का अधिकार। ज्ञानवापी सर्वे के लिए पहुंची एसआई टीम को रोकना पड़ा काम, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। 26 जुलाई शाम 5 बजे तक नहीं होगा सर्वेक्षण। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने को कहा।